नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर को पुलिस मुख्यालय में आयोजित होगा। बीदर शहर के कई क्षेत्रों में नालियां सहित परिसर में गंदगी फैली, लोग परेशान। सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री से बेंगलुरु मेट्रो परियोजना चरण 3 के लिए DPR को मंजूरी देने का किया अनुरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन परिचालन की औपचारिक शुरुआत। कर्नाटक सरकार वेब3 नवाचार का समर्थन करेगी, नियामक सैंडबॉक्स का मूल्यांकन करेगी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। पुलिस शहीद दिवस 2023 बीदर जिला पुलिस द्वारा 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में एक विशेष परेड के साथ मनाया जाएगा। पुलिस शहीद दिवस समारोह में बीदर के जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी मुख्य अतिथि होंगे। बीदर जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा M, बीदर के उपवन संरक्षक वांति MA, बीदर कर्नाटका पशु चिकित्सा और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के चांसलर शिवशंकर S पुलिस शहीद दिवस समारोह में अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम सुबह 7:55 पर प्रहरी की पोस्टिंग, सुबह 8 बजे मुख्य अतिथियों को सलामी, मुख्य अतिथियों द्वारा परेड शुरू करने की अनुमति, 8:05 पर शहीद स्मारक पर मुख्य अतिथियों द्वारा पुष्पांजलि, पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुष्पांजलि, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पुष्पांजलि, शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुष्पांजलि, सुबह 8:20 पर शहीदों की याद में 3 राउंड गोलियों के साथ राष्ट्रगान, 8:25 पर पुलिस अधीक्षक द्वारा शहीदों के नामों का वाचन, 8:45 पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीदों को मौखिक श्रद्धांजलि, 8:50 पर हथियार झुकाकर 2 मिनट का मौन तथा पुलिस ध्वज आधा झुका हुआ, 8:55 पर पुलिस बैंड अबाइड विद मी द्वारा 9 बजे मुख्य अतिथि द्वारा परेड का समापन। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के कई क्षेत्रों में नालियों का बुरा हाल है, तो वही सड़कों पर फैल रही गंदगी, इसके साथ साथ कुछ कॉलोनियों में विद्युत की भी समस्या आदि जारी है। शहर में नगर सभा के अंतर्गत आने वाले कार्यों का बुरा हाल है। शहर की ज्यादातर नालियों में गंदगी भरी हुई है, जिससे पानी का बहाव रुक चुका है, जिससे परिसर में गंदगी फैल रही है। इससे मच्छर भी पनप रहे हैं, जबकि जिले में डेंगू अपने पैर फैला रहा है। इन सब के चलते नगर सभा और इसके जिम्मेदार खामोश हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज के इस तकनीकी दौर में लोग नालियों की गंदगी और अन्य मुद्दों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप में यह तस्वीरें या वीडियो साझा हो रही हैं, उनमें नगरसभा के पार्षद और अधिकारी शामिल हैं, लेकिन कोई क्रम नहीं लिया जा रहा है। लोग नगरसभा की इस लापरवाही से परेशान हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नगरसभा अपनी जिम्मेदारी कभी तो उठाएगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर नगर के चिट्टाक्रॉस शिवाजी नगर में शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक नवरात्रि भजन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सौम्याम्बिका कनुप्रिया स्मृति मंडल द्वारा नृत्य डांडिया प्रस्तुत किया गया। जादू शो का संचालन तुकाराम मास्टर प्रवीण ओरिस ने किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के चरण 3 के लिए डीपीआर को मंजूरी देने का अनुरोध किया है और इस संबंध में एक रिपोर्ट केंद्र को मंजूरी के लिए सौंपी गई है। 45 किलोमीटर लंबी चरण 3 मेट्रो लाइन की अनुमानित लागत 15,611 करोड़ रुपए है के वर्चुअल उद्घाटन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बेंगलुरु मेट्रो रेल केआरपुरम से बैपनहली और कंगेरी से चल्लाघट्टा तक का विस्तार प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली सेवाओं का उद्घाटन किया था। उन्होंने आगे कहा कि कलेना अग्रहारा से नागवारा तक नई 21.26 किलोमीटर की लाइन मार्च 2025 तक पूरी करने की योजना है। उन्होंने कहा, इन लाइनों के पूरा होने से परिचालन नेटवर्क बढ़कर 117 किलोमीटर हो जाएगा और प्रतिदिन 12 लाख यात्रियों को सेवा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि परियोजना के चरण 2 के लिए कर्नाटक सरकार ने 11,583.8 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि चरण 2 की कुल 32 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन पूरी हो चुकी है और इन दो महत्वपूर्ण खंडों सहित परिचालन के लिए चालू कर दी गई है। मेट्रो नेटवर्क का परिचालन बढ़कर 74 किलोमीटर हो गया है। एक औपचारिक आभासी उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने दो लंबित हिस्सों बैपनहली केआरपुरम और कंगेरी चल्लाघट्टा का उद्घाटन करके बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन के पूर्ण संचालन को आईटी राजधानी के लोगों को समर्पित किया। पर्पल लाइन का संचालन 9 अक्टूबर को बिना किसी धूमधाम या उद्घाटन कार्यक्रम के शुरू हुआ और शुक्रवार को औपचारिक उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, पर्पल लाइन परिचालन के साथ बेंगलुरु के आईटी हब से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और दो मेट्रो स्टेशन बेंगलुरु के लोगों को एक तेज यात्रा अनुभव प्रदान करेंगे। वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएमडी के शिव कुमार ने भी हिस्सा लिया। राज्य के आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स के अनफोल्ड इवेंट को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार विकास और नवाचार के लिए एक नियामक सैंडबॉक्स बनाने के लिए वेब3 उद्योग के प्रस्ताव की समीक्षा कर सकती है। हम नियामक सैंडबॉक्स की स्थापना का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, विशेष रूप से ब्लॉकचेन और वेब3 जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियों में रोजगार के कई अवसर पैदा करेगा। एक नियामक सैंडबॉक्स एक नियंत्रित नियामक वातावरण के तहत नई प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और विकास की अनुमति देती है, जो कुछ छूट की अनुमति देता है। कर्नाटक में सैंडबॉक्स बनाने का प्रस्ताव शीर्ष उद्योग निकाय भारत वेब3 फाउंडेशन द्वारा रखा गया था, जिसने सरकार को वेब3 क्षेत्र के लिए जागरूकता, शिक्षा और विचार नेतृत्व कार्यक्रमों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी प्रेरित किया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482127। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद 24 घंटे, हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गुरुवार को कलबुर्गी जिले में 38 वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता की मौत के बाद पार्टी नेताओं ने घटना की न्यायिक जांच की मांग की। चिंचोली तालुका के शिरोली के 38 वर्षीय शिव कुमार पुजारी की आत्महत्या से मृत्यु हो गई। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल पर उंगली उठाई। उन्होंने मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। चरम कदम उठाने से पहले पुजारी ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें उसने कथित तौर पर अपनी मौत के लिए मंत्री को जिम्मेदार ठहराया था। ऑडियो टेप की सत्यता अभी तक स्थापित नहीं हुई है लेकिन इसमें कथित तौर पर शिव कुमार की आवाज है। भाजपा कार्यकर्ता शिव कुमार की आत्महत्या से मृत्यु होगी। अपनी मृत्यु से पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग में शिव कुमार ने दावा किया कि मंत्री शरण प्रकाश पाटिल द्वारा उत्पीड़न उनकी मृत्यु का कारण था। सरकार को इसकी न्यायिक जांच का आदेश देना चाहिए और जांच रिपोर्ट आने तक मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कलबुर्गी में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा ने कहा कि जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लोगों पर अत्याचार बढ़ गए हैं और जो लोग अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। मृतक भाजपा कार्यकर्ता को उसके रिश्तेदार के खेत में पीटा गया था। अपनी मौत से पहले एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में शिव कुमार ने मंत्री शरण प्रकाश पाटिल पर आरोप लगाया था। कलबुर्गी जिले के प्रभारी मंत्री प्रियांक खरगे इस मुद्दे पर चुप हैं। खुबा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से उन सभी लोगों को गिरफ्तार करने की अपील की जिन्होंने शिव कुमार को परेशान किया और उन्हें अपना जीवन समाप्त करने के लिए मजबूर किया। खुबा ने कहा कि पाटिल को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और राज्य सरकार के मुख्य सचेतक अशोक पट्टन ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक में 2.5 साल में कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा और इससे सबसे पुराने पार्टी में बहस छिड़ गई है। विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक अशोक पट्टन ने कहा कि प्रदेश प्रभारी और AICC महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उन्हें इस संबंध में आश्वासन दिया है। 2.5 साल बाद कैबिनेट में फेरबदल होने जा रहा है। मैं एक वरिष्ठ विधायक हूं, मुझे मंत्री बनना था लेकिन मुझे पद नहीं मिला। सुरजेवाला ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं 2.5 साल बाद मंत्री बनूंगा। जाति के आधार पर मंत्री पद दिया गया है। मुझे विश्वास है कि 2.5 साल बाद मुझे मंत्री पद दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे भले ही उन्हें कैबिनेट में जगह मिले या नहीं। उन्होंने बताया कि मुझे इस बारे में सटीक जानकारी नहीं है कि 4 से 5 विभाग बदले जाएंगे या पूरे मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। बेल्लारी जो अपने संपन्न जीन्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वर्तमान में कई चुनौतियों से जूझ रहा है जो स्थानीय उद्यमियों और व्यवसाय में श्रमिकों पर भारी पड़ रही है। कच्चे माल की बढ़ती लागत और आयात और निर्यात के मुद्दों के कारण व्यापार व्यवधानों का सामना करने के बाद उद्योग अब अनियमित बिजली आपूर्ति से त्रस्त जिससे उद्यमियों और कर्मचारियों दोनों को परेशानी हो रही है। अनियमित बिजली कटौती न केवल व्यापारिक समुदाय बल्कि पूरे क्षेत्र के उपभोक्ताओं और लघु उद्योगों को भी प्रभावित कर रही है। इस अप्रत्याशित बिजली संकट ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हितधारकों पर प्रभाव डाला है। बेल्लारी में अनुमानित 60,000 से 80,000 परिवार अपनी आजीविका के लिए जींस उद्योग पर निर्भर हैं।
जींस उद्योग विभिन्न क्षेत्रों में हजारों लोगों को रोजगार देता है, लेकिन चल रही लोड शेडिंग के कारण कई लोगों को काम से हाथ धोना पड़ा है। काम के घंटों के दौरान बिजली कब कट जाएगी और कब बहाल होगी, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं होने के कारण मजदूर दिन के अधिकांश समय खुद को बेकार पाते हैं। इसके अतिरिक्त जींस उद्योग में कई श्रमिकों को निश्चित वेतन नहीं मिलता है। उनकी कमाई उनके सिलने वाले पैंट की संख्या पर आधारित होती है। औसतन प्रत्येक कर्मचारी प्रतिदिन 300 से 400 जोड़ी पैंट सिलता है और बार बार बिजली कटौती के कारण उत्पादकता और कमाई में बाधा उत्पन्न हुई है। उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक सरकार राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना बना रही है जो पिछली सरकार ने नहीं किया था। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं भाजपा की विफलताओं पर चर्चा नहीं करूंगा। हमने 2013 से 2018 में अपने कार्यकाल के दौरान बिजली उत्पादन बढ़ाया था। भाजपा कार्यकाल में उत्पादन नहीं बढ़ने से अब समस्या खड़ी हो गई है। सत्ता में आते ही मैंने ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज से बिजली उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा की। हमने पावागाड़ा सोलर पार्क का दौरा किया। अब मैं एक नए सोलर पार्क के निर्माण के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रहा हूँ। इस साल राज्य में कम बारिश हुई। उन्होंने कहा कि अगर एक भी दिन बारिश नहीं होती तो सरकार को 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता। मंत्री ने कहा, हम 6 से 7 रुपए प्रति यूनिट की लागत पर बिजली खरीद रहे हैं और किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध करा रहे हैं। मैंने अधिकारियों को जल प्रबंधन और फसलों के लिए जल उपभोक्ताओं से शुल्क वसूलने के महाराष्ट्र पैटर्न का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर को पुलिस मुख्यालय में आयोजित होगा। बीदर शहर के कई क्षेत्रों में नालियां सहित परिसर में गंदगी फैली, लोग परेशान। सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री से बेंगलुरु मेट्रो परियोजना चरण 3 के लिए DPR को मंजूरी देने का किया अनुरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन परिचालन की औपचारिक शुरुआत। कर्नाटक सरकार Web3 नवाचार का समर्थन करेगी, नियामक सैंडबॉक्स का मूल्यांकन करेगी। KP News के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।